हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है एंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार स्टूडेंट्स के क्वायरी आ रहे थे कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो मैंने पहले भी बताया कि मेरा सिलेक्शन सबसे पहले नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हुआ था उसके बाद इंडियन ऑयल में हुआ था एंड ओ में हुआ था तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एंड मेरे फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस रहा है उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किए हैं जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाओ ये फॉर्म ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो फॉर्म्स में अगर आप जा, जाओगे तो सेम क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे हाँ लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो इसी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं हमने अपने इस वीडियो को फाइव स्लाइड्स में कवर किए हैं पहले बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे अबाउट यूर सेल्फ अबाउट कंपनी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं आप कहाँ रहते हो आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई किए इस सब के रिगार्डिंग पर्सनल क्वेश्चन सीरीज होता है जो इंटरव्यूअर आपसे आस करता है मोस्टली ये सारे क्वेश्चन एच डिपार्टमेंट का कोई पर्सन होता है जो आपसे पूछता है इन सब चीजों के बारे में इसके अलावा आपका टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड अब जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साथ में आपको शेयर करते चलता हूँ जैसे मैं नेशनल टेक्सटाइल में जब मैं गया था तो वहां पे दो सर थे एक सर थे और एक एक मतलब दो सर थे मैम थी एक मैम थी उन्होंने इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे सर अलग प्रोविजन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे सेम जब मैं ओ में गया तो वहां पे भी फोर पर्सन का पैनल था जिसमें एक मैम थी एंड दो सर थे एंड एक एचआर का था वहां पे फोर लोगों का पैनल था तो मैम जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती थी या फिर मैम ही इनकम टैक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछती थी एक सर थे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे और एच वाले सर थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे और भी वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे ठीक है तो इस टाइप से वहां पे थ्री टू फोर पर्सन होते हैं बिकॉज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सारे काम एक पर्सन नहीं कर रहा होता है फॉर्म में जब आप जाओगे तो सारे मल्टीपल काम सेम पर्सन कर रहे होते हैं तो सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता कॉस्टिंग का काम से रिलेटेड क्वेश्चन का ही पर्सन पूछता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पर्सन पूछते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है टेल मी अबाउट जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे आपको टेल मी अबाउट आपसे पूछा जाएगा तो इसके ऊपर आपको खुद से ही अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कि आप अपने बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो सबसे पहले तो आपको अपने खुद के बारे में बताना है फिर आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में फिर आपको अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है एंड फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है इन सब के बारे में आपको तीन से चार मिनट के अंदर आपको अबाउट योर को आपको कंक्लूड करना है ठीक है इसके अलावा भी ना ये क्वेश्चन आता है जैसे मैं ओ में जब गया था तो मेरे से पूछा गया था कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो तो मैंने प्रॉपरली मैंने कोई रीड नहीं किया था पहले हाँ बट जब मैं ओएनजीसी में गया तो वहां पे काफी सारे ना टीवी पे स्लाइड्स चल रहे थे ओएनजीसी के बारे में तो मैं वो स्लाइड्स में देख रहा था जिसके बेसिस पे मैंने वहां पे उस इंटरव्यू में आंसर दिया था तो आपको जब भी आप किसी कंपनी में जा रहे हो जैसे आप ओ में जाओ आई में जाओ बी में जाओ प्रसार भारती में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आती रहती है तो आप डेफिनेटली एक बार एटलीस्ट उस कंपनी के बैकग्राउंड उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एरिया ऑफ बिजनेस ये सारी चीजों को आप देख कर जरूर जाना जिससे आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस मिलेगा अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखो ये हम इलेवेन्थेल्थ में पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन हमसे सी एम ट्रेनिंग में भी पूछे जाते हैं और आफ्टर क्वालिफाइड भी आपसे पूछे जाते हैं मेरे से खुद जब मैं सी एम क्वालिफाइड होने के बाद जैसे मैं कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे आया था आगरा में वहाँ पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछे गए इसके अलावा मैंने जेनपैक्ट में भी इंटरव्यू दिया था वहाँ पे भी मेरे से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे गए एंड बहुत सारे और भी इंटरव्यूज में मैंने देखा है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन है बट डेफिनेटली पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ क्यों रहे तो ये क्वेश्चन मेरे से ओ एन जी पूछा गया था वाट डू बी अकाउंटिंग सॉरी वाई बी डू अकाउंटिंग हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं है? मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और मैम ने मुझे बोला था कि सर उनके मैम के बगल में एक सर थे जो एच के थे मैम ने बोला था कि सर को अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है बिकॉज ये एच से बिलोंग करते हैं तो आपको बतानी है कि अगर हम अकाउंटिंग ना करें तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है हमारे लाइफ में एंड अकाउंटिंग उन सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में हमारी कैसे हेल्प करता है तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रैक्टिकल सेनेरियो के बेसिस पे एंड आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे आप अकाउंटिंग के डिफिनीशन को आप नहीं दे सकते हो ठीक है तो ये आपका खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि अगर हम अकाउंटिंग ना करें तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है एज ए बिजनेसमैन एंड उस बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नेम्स भी पूछे जाते हैं जैसे आपसे पूछा जाए कि एज टू किस चीज़ से डील कर रहा है एज थ्री एज फोर फाइव एज टेन ट्वेल्व मतलब जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके नाम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड उसके नेम्स आप बताओ तो ऐसे भी क्वेश्चन मेरे से भी पूछे जा चुके हैं तो आप भी जरूर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अगर आपको नेम्स याद नहीं है तो आप उससे आप डेफिनेटली याद कर लो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोविजन बेसिस पे जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर आप कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या फिर आप अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बताना पड़ेगा कि हम इन्वेंटरीज की वैल्यूएशन किस तरीके से हम करते हैं ठीक इसके अलावा भी हो सकता है अब मान लो जैसे ओ एन जी सी है IOC, हो सकता है इन सारी कंपनीज को गवर्नमेंट से से ग्रांट मिल कुछ असिस्टेंट मिल रहे हो तो ये पूछ सकते हैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व रिलेटेड उसके अलावा अब जैसे ओ एन जी फॉरन एक्सचेंज में भी डील करती है एस इलेवन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉरन एक्सचेंज का ट्रीटमेंट किस तरीके से आप करते हो तो ये कंपनी स्पेसिफिक भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो दो चार ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेटली आपको अच्छे से करके जाना है जैसे अकाउंटिंग 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 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ पॉलिसीज इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन अगर आप थोड़ा बहुत और करना चाहते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी आप कर सकते हो अर्निंग पर शेयर ये मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इसके अलावा प्रोविजन से रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है

रुपीज का तो टोटल हमने अमाउंट कितना पे किया वन हंड्रेड एन रुपीज अब आपको बताना है में किया. तो परचेज तो को आपको क्या करना होगा बाईफर्केट करना होगा परचेज अकाउंट डेविट जीएसटी इनपुट मैंने बोल दिया इसको आप आई जी एस टी इनपुट लिख सकते हो या सी जी एस टी एस जी एस टी इनपुट लिख सकते हो एंड टू कैश लिख सकते हो ठीक है आपको इस तरीके से एंट्री पूछा जा सकता है या फिर आपको टीडीएस की एंट्री पूछी जा सकती है कि आपने कोई इनपुट परचेज किया है उसके ऊपर आपने टीडीएस पे किया है तो आप किस तरीके से आप इसकी एंट्री करोगे और ये एंट्री स्टूडेंट्स इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाता है तो प्लीज आप इलेवेंथ ट्वेल्थ की भी बुक में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी टी डी इन सब से रिलेटेड एंट्रीज दी होती है तो आप एक बार उसको देख के जरूर जाना जिससे आप अकाउंटिंग एंट्रीज को आप बता सकते हो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट काउंटिंग के बारे में कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो किस टाइप की क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड पूछी जाती है तो मैं बेसिक सबसे फर्स्ट क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक डिफिनेशन पूछी जाती है जैसे नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है इसकी ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं या फिर मार्जिनल कॉस्ट किसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है डिफ्रेंशियल कॉस्ट किसे बोलते हैं इसके अलावा प्राइम कॉस्ट इसके अलावा और भी बेसिक डिफिनीशंस हो सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है कॉस्टिंग क्या होता है इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे सॉरी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं बिकॉज मैंने खुद इंटरव्यू लिया है एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी इसकी डिफिनीशन नहीं बताते हैं अगर मैं उनसे डिफरेंशियल कॉस्ट पूछूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें डिफरेंशियल कॉस्ट नहीं पता है जबकि ये डिफिशन सी एम ए फाउंडेशन के स्टडी मैट में और तो इस इसका मतलब क्या है इंटर वाले स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कॉस्ट किसे बोलते हैं फाइनल वाले भी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए तो ये बेसिक आप जरूर देख के जाओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप नॉर्मल डिफिने का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है इसके अलावा अगर हम ओवर टाइम प्रीमियम देते हैं उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है तो ये बेसिक क्वेश्चन फर्स्टली बनते हैं जो आपको इंटरव्यू में देख के जरूर जाना है सेकेंड मैटरियल कॉस्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कंपनी के लिए

एंड में आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मशीन ऑवर के क्वेश्चन या फिर अंडर रिकवरी एंड ऑफ रिकवरी के ट्रीटमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में हैं, अगर हम बात करें इसके अलावा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग एंड मार्जिन कॉस्टिंग ये तीन टॉपिक है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ वेरियंस एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटर लेवल पे भी एंड फाइनल लेवल पे भी तो आप इसको अच्छे तरीके से जरूर रीड करके जाना जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ओ एन जी सी के इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड पूछे गए थे स्टूडेंट से मेरे से नहीं पूछा गया था मेरे से सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के एंड जी एस टी के क्वेश्चन ही पूछे गए थे बट आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाना वेरियस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बजटिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट पार्ट से मैं ऐसा नहीं बोला कि इसके अलावा किसी और चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ सकते इसके अलावा भी आ सकते हैं लेकिन बहुत रेयर चांस है कि किसी और चैप्टर से क्वेश्चन है मोस्टली यही टॉपिक्स कवर किए जाते हैं अब हम बात करते हैं जीएसटी की जीएसटी से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएसटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटर्न कौन कौन से जी एस में कितनी टाइप्स की रिटर्न होती है कौन सा रिटर्न कौन सा पर्सन फाइल करता है तो आपको जी एस आर से लेकर जी एस आर तक इलेवेन तक आपको फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे एंड उसकी ड्यू डेट आपको याद करने पड़ेगी ड्यू डेट के लिए आप जी पे आप जाओ एंड वहाँ पे आपको लेटेस्ट ड्यू डेट्स आपको मिल जाएंगे तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले ड्यू डेट्स जीएसटी पोर्टल पे जाके आप देखना बिकॉज आपके स्टडी मैट में जो ड्यू डेट होंगे वो ड्यू डेट वेरी कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ड्यू डेट को एक्सटेंड कर देता है तो इसलिए आपको अप टू डेट होके जाना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू में देने जा रहे हो तो ड्यू डेट एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में सेकेंड अगर हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और टॉपिक है जहाँ से कोश्चन्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज होता है रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट बड़ी कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पेशली जैसे वो एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए एडवोकेट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है नहीं लगता है किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है एग्जेमस क्या है तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए

वहाँ पे मुझे का पूछा गया इसके अलावा सैलरीज से, से क्वेश्चन पूछा गया था मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऐड किया मैंने सैलरीज ऐड नहीं किया बट आप सैलरीज को भी आप ऐड कर लेना बिकॉज सैलरीज से, से क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज मोस्टली जो वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज है सारे एम्प्लॉयज तो सैलरीड एम्प्लॉय है तो कहीं ना कहीं आपको अगर उनके सारे के रिटर्न कंपनी खुद से ही फाइल करती है जो भी इंप्लॉयज वहां पे वर्किंग होते हैं उनके रिटर्न कंपनी खुद से ही फाइल करती है तो सैलरी से रिलेटेड हो सकता है कि एच का वी का एंड ग्रेचुअटी का ट्रीटमेंट हो गया उसका अगर आप रिजर्व में आप ट्रांसफर करते हो तो आर पी एफ एस पी एफ से रिलेटेड प्रोविजन आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन सैलरी से तो जरूर आ सकता है इसके अलावा पीजीपी का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो उनका अर्न उनका मोटी प्रॉफिट अर्न करना है तो पीजीपीड क्वेश्चन कैपिटल गेन से क्वेश्चन थोड़े कम चांस लगते हैं मुझे बिकॉज बहुत रेयर केस होता है कि कैपिटल गेन से क्वेश्चन आ जाए हाँ बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे आता पूछा जाए तो एक तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैपिटल गेन के एक के वहां से क्वेश्चन बन सकता है और इसके अलावा कैपिटल गेन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा बेसिक डिफिने पूछ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है इसमें भी आपको कैटेगराइज करना सीखना पड़ेगा एग्जाम जो पहले मिलते थे कैपिटल गेन में उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको चेक करना पड़ेगा डिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू में बिकॉज एटीसी तो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता ही जाता है इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जैसे ए ए भी पूछा जा सकता है और एटी यूल डी से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं तो डिडक्शन के ऊपर आप फोकस करना जब अब इंटरव्यू देने जा रहे हो सैलरी चैप्टर के ऊपर फोकस फोकस करना फोकस करना एंड के ऊपर इसके अलावा टीडीएस टीडीएस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आपने टी डी एस पढ़ा होगा तो इसमें मैक्सिमम केसेस में टीडीएस डिडेक्ट करने के बारे में डिस्कस किया गया है जो टी डी एस डिडेक्ट जब हम एक कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं टीडीएस कहीं डिटेक्ट भी करना पड़ता है और कहीं हमारा टीडीएस डिटेक्ट होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजन्स तो इसलिए इंटरव्यू में टीडीएस से रिलेटेड भी प्रोविज़न्स काफ़ी पूछे जाते हैं तो अब ज़रूर इसकी लिमिट्स परसेंटेज ये सारे कुछ को आप ज़रूर याद करना इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है जो कि आपको करना चाहिए अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो आप इंटरव्यू में अच्छे से कर सकते हो इसके अलावा जैसे कि टेक्निकल स्किल्स के बारे में वहां पे आपसे पूछे जाएंगे जैसे आपको एक्सेल में क्या क्या चीजें आती है पावर पॉइंट में क्या चीजें आती है वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है पी के बारे में पूछा जा सकता है तो इस ये आपका पर्सनल स्किल्स रिलेटेड है तो इसे आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप्स हो कि आप सबको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स न्यू कॉन्सेप्ट के साथ